आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर नामांकन का आज आखिरी तारीख और अंतिम समय 3 बजे था। इसमें भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, गोंडवाना, गणतंत्र, अन्य पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस बीच एक अनोखा नजारा और एक अनोखी पहल दिखाई दी। पत्रकारों के द्वारा 2 प्रत्याशी सामने आए, जिसमें सूरज ब्रह्म में फिरोज खान ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर समस्त पत्रकार साथ ही मौजूद रहे। आखिरकार क्यों पड़ी पत्रकारों को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बालाघाट से भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट। नाम निर्देशन पत्र जमा करने आए हैं, क्या विशेष मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, बालाघाट जिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म जमा करके आया हूँ और सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से आज हमने फॉर्म जमा किया है। हमारा उद्देश्य है, चुनाव लड़ने का एक मकसद है कि 70 सालों से जो बालाघाट जिला और सिवनी जिला पिछड़ा हुआ है, उसमें हम नागपुर की तर्ज में इसको विकासशील करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक एक घंटा दो दो घंटे तक जो जाम लग रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग में, तो इसको ब्रिज की नगरी बनाना चाह रहे हैं। मतलब इतना लंबा ब्रिज रहे यहाँ से चारों तरफ, बैयर चौकी से लेकर बैनगंगा नदी तक ब्रिज रहे, सरेखा से लेकर भटेरा चौकी तक ब्रिज रहे, इस टाइप का ऐसा ब्रिज रहे ताकि इसको ब्रिज की नगरी कहा जाए। और जब ब्रिज की नगरी ये कहा जाएगा तो ये समझो कि बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन इसके पहले किसी नेताओं का ध्यान नहीं था। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कम से कम लाखों की तादाद में बेरोजगार युवा भाई हैं, और यदि ये हमारे जो नेता हैं जिसके पहले सांसद रहे चाहे इसके पहले विधायक रहे मंत्री रहे, अगर ये चाहते तो इनकी बेरोजगारी दूर हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं सोचा यहाँ पे कॉपर स्प्लेटिंग प्लांट डाला जा सकता है जिसमें 10 लाख बेरोजगार लोगों को रोजी मिल सकती है। यहाँ पे बांस उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे कागज का कारखाना डाला जा सकता है जिसमें बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ पे बीड़ी का उद्योग डाला जा सकता है क्योंकि तेंदू पत्ता यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुआयात मात्रा में है और ये महाराष्ट्र में जाता है, जबकि अगर ये बालाघाट जिले में या सिवनी जिले में हो तो हमारे क्षेत्र के यहाँ के बेरोजगार हमारी बहनें जो घर बैठे उनको काम मिलेगा और कम से कम ये समझो कि 1000-2000 रुपये पर डे वो कमाएंगी और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। लेकिन हमारे नेताओं को कभी उस ओर ध्यान नहीं रहा और हम इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और भरा है हमने, और निश्चित है हम चुनाव जीत कर आएंगे और जब चुनाव जीत कर आएंगे तो बालाघाट जिला और सिवनी जिले का विकास करेंगे। ग्रामीण के लिए क्या सोचे आपने? ग्रामीण मैंने बताया ना, ये सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर तेंदू पत्ता बहुत ज्यादा है, लकड़ी यहाँ पे है, बांस यहाँ पर है ना, कोयला यहाँ पर है, यहाँ पे उद्योग धंधे डाले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जो नेता रहे उनने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और हम यहाँ पे इसको औद्योगिक नगरी बनाना चाहते हैं। आप भी पत्रकारों के लिए, तो पत्रकार देखिए सबसे ज्यादा हमारे पत्रकार भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, वो शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लादा जा रहा है, जबकि पत्रकार किस मुसीबत से कैसे मेहनत करके वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जनता की आवाज़ को शासन तक और शासन की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे एक पत्रकार भवन नहीं है और पत्रकार भवन सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि सिवनी जिले में भी पत्रकार भवन हो, बालाघाट जिले में भी हो और हर तहसील मुख्यालय में पत्रकार भवन के हम स्थापित करना चाह रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है।